पिछले कई महीनों से अपन सब पवित्र बाइबल के रोमियो नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे। आज वो अध्ययन अपने आखिरी चरण पर आ गया है। 15वें अध्याय के 14वें पद में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण, इतना ही नहीं पढ़ने पर हमारे मन को उत्साह मिले, इस तरह के एक भाग हम पढ़ते हैं। वहाँ लिखा हुआ है, हे मेरे भाइयों, मैं स्वयं तुम्हारे विषय में निश्चय जानता हूँ कि तुम भी आप भलाई से भरे और ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर हो। क्यों हर संडे इस तरह की सभा होती है और क्यों प्रभु के वचन से हम लोग सुनते हैं, क्यों इस तरह का सत्संग होता है, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। लेकिन उसको सारांश में कहा जाए तो इस वाक्य में है। वो वाक्य है कि तुम ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर हो जाओ। ईश्वरीय ज्ञान का क्या मतलब है? इस संसार के सृष्टिकर्ता ने मेरे और आपके जानने के लिए जो बातें तय की हैं, उन बातों के बारे में जब हम जान जाते हैं तब हम ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर हो जाते हैं। आप कहेंगे कि हर व्यक्ति ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर होना चाहता है, सही है या गलत है? ना तो सही है या ना गलत है। उसका कारण क्या है? दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ईश्वरीय ज्ञान से विरोध करते हैं, बैर करते हैं। कारण क्या है? इसलिए कि वे पाप में जीवन बिताते हैं। उन्होंने प्रभु यीशु को कभी भी मुक्तिदाता के रूप में ना तो ग्रहण किया है, ना जाना है, ना पहचाना है, तो उनका तो झुकाव पाप की तरफ ही रहेगा, उनका झुकाव तो बुराई की तरफ ही रहेगा। तो वो लोग तो ईश्वरीय ज्ञान को नहीं चाहते हैं। फिर संसार में थोड़े से लोग बच जाते हैं। वे कौन? जिन्होंने प्रभु को जानकर प्रभु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया है। जिन लोगों ने प्रभु को मुक्तिदाता ग्रहण किया है उनके बीच में भी दो प्रकार के लोग होते हैं। एक जो प्रभु को मुक्तिदाता ग्रहण करने के बाद जो प्रभु के ही रास्ते पर चलना चाहते हैं, दो जिन्होंने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है लेकिन अब अपने रास्ते पर चलना चाहते हैं। इस प्रकार के दो प्रकार के लोग हैं। इनमें जो लोग अपने रास्ते पर चलना चाहते हैं वो ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर लोग अपन उनको नहीं कह सकते। यदि ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर होते तो वो लोग अपनी मनमानी चलने के बदले वो लोग प्रभु के रास्तों पर चलने की कोशिश करते। तो कुल मिलाकर संसार की जो करोड़ों की आबादी है उसमें से एक छोटी सी संख्या ऐसे लोगों की है जिन्होंने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में पाया है और जो प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन बिताना चाहते हैं और जो प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन बिताने की अपनी इच्छा के कारण प्रभु के वचन का ध्यान और मनन करते हैं। और इस तरह से ध्यान और मनन करने के कारण उनका मन प्रभु की इच्छा से भरपूर है, या जिनके बारे में ये कह सकते हैं कि ईश्वरीय ज्ञान से वो लोग भरपूर है, ये लोग बहुत थोड़े हैं। इस पुस्तक के लिखने वाले ने, जिनको ये पुस्तक लिखी जा रही है, जिनको ये बहुत लंबा लेटर भेजा जा रहा है, उनके बारे में कहा कि मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि तुम लोग ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर हो। आज शाम को जो पहला प्रश्न मैं भाई और बहनों से पूछना चाहता हूँ वो ये है, प्रभु ने हमारी मदद की, हम कम से कम 1.5 साल से नियमित रूप से प्रभु के वचन का अध्ययन कर रहे हैं, हमने समय अन्य बातों में बर्बाद करने के बदले सत्संग के लिए हमको जो भी समय मिला है वो समय बहुत ही ध्यान के साथ प्रभु के वचन के लिए हमने लगाया, समय बिताया। और जो लोग यहाँ आते हैं वो लोग भी आपसी गपशप के बदले
वो लोग भी बहुत ही गंभीर तरीके से बैठकर, बहुत ही सीरियसली बैठकर प्रभु के वचन को सुनते हैं। क्यों? इसलिए कि जितने लोग आज इस प्रभु की सभा में बैठे हैं, सभी लोगों के मन में एक इच्छा है, प्रभु अपने बारे में मुझे ज्ञान दीजिए, मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, मैं आपके बारे में सीखना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि जितना ज़्यादा मैं आपके बारे में जानूँगा, मैं उतना ही आपके निकट होता चला जाऊँगा, और मैं जितना आपके निकट होता चला जाऊँगा, मेरा जीवन उतना ही पवित्र और समर्पित होता जाएगा। ये हम सब जानते हैं, और इसलिए आज शाम को मैं फिर से एक बार आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरे प्रिय भाई बहन, हम ईश्वर की निकटता में जीना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्या हमको इस बात का भरोसा है कि वाकई में इन दिनों हम प्रभु की निकटता में जीवन बिता रहे हैं? हम प्रभु के निकट हैं क्या? और यदि प्रभु के निकट है तो वाकई में ईश्वरीय ज्ञान से हम भरपूर हैं क्या? ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर का एक उदाहरण मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। हम सब इस बात को जानते हैं कि मनुष्य को गाने बहुत पसंद हैं, और तमाम तरह के नए नए गाने लोग लिखते हैं, रचना करते हैं, और अपन लोग नए नए गाने सुनते हैं। यदि 50 नए गाने सुनते हैं तो इसमें से कितने गाने हैं जो लोगों के बीच में बहुत ही प्रसिद्ध हो जाते हैं या पॉपुलर हो जाते हैं? शायद 50 में से एक गाना लोगों के बीच में जनप्रियति पा लेता है, और फिर जहाँ देखो हर कोई उसी को गा रहा है। आप गली से निकले तो बच्चे गा रहे हैं, और दफ्तर में पहुँचे तो आपके बगल में कोई बैठकर उसी गाने को गुनगुना रहा है। इस तरह के चुने हुए गाने जो लोगों के दिल को पकड़कर पूरी तरह से उस पर कब्जा कर लेते हैं, इस तरह का जब कोई गाना आता है, और यदि वो गाना मैं और आप यदि जानते हैं और यदि गाते हैं और पसंद करते हैं, तब क्या होता है? तब अपन बैठ के किताब पढ़ रहे हो तो भी वो गाना मन में आता है, काम कर रहे हो तो भी वो गाना मन में आता है, चाय पी रहे हो तो भी वो गाना मन में आता है, स्नान कर रहे हो तब भी वो गाना मन में आता है, बस में सफ़र कर रहे हो तो भी वो गाना मन में आता है। ऐसा होता है या नहीं होता है? ऐसा होता है, ऐसा होता है। और कई बार ये गाना अपने आप हमारे मन में इतनी बार आता है कि हम अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। जब मैं और आप ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर हो जाते हैं, तो जिस तरह से वो गाना जो हमारे मनों को नियंत्रित करता है, जो हमारे मन में भरा हुआ है, और हम चाहे या ना चाहे हर समय वो गाना हमारे मन के अंदर से हमारे मुंह में आता है, उसी तरह से जब एक व्यक्ति ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर हो जाता है तो ईश्वरीय बातें, आत्मिक बातें, वे बातें जो हमारे जीवन को स्वस्थ बनाती हैं, वे बातें जो हमारे जीवन को पुष्ट बनाती हैं, वे बातें जो हमारे आत्मिक जीवन को तंदुरुस्त बनाती हैं, ऐसी बातें नियमित रूप से सुबह, दोपहर, शाम, हम चाहे जहाँ भी बैठे वहाँ हमारे अंदर से ये बातें आने लगती हैं। प्रभु के वचन में जिन लोगों के को ये पत्र पहली बार भेजा गया था, उनसे तो कहा गया है कि मुझे इस बात का यकीन है कि तुम ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर हो। वो प्रश्न आज मैं भाई बहनों के सामने रखना चाहता हूँ। मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, यदि आज मैं आपसे पूछूं कि मेरे प्रिय भाई या बहन, क्या आप ये कह सकते हैं अपने जीवन के बारे में कि आप ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? आप कहेंगे कि शास्त्री सर, ये कैसे मैं कह सकता हूँ कि मैं ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर हूँ या नहीं हूँ? आप कह सकते हैं। उसका एक तरीका यह है
कि आप जरा अपने आप को जांच कर देखें, आपके मन में किस तरह की भावनाएं होकर गुजरती हैं। जब आप दफ्तर में जाते हैं तो लोगों के साथ कंपटीशन, प्रतिद्वंदिता, इसकी भावना आती है या लोगों के साथ सहयोग की भावना आती है। जब आप अपने एक भाई या बहन के बारे में सोचते हैं तो उस भाई या बहन से प्रतियोगिता के बारे में सोचते हैं या उस भाई या बहन की मदद करने की सोचते हैं। उस भाई या बहन को यदि प्रभु ने कोई अनुग्रह दिया है तो जब हम उस अनुग्रह के बारे में सोचते हैं तब हमारा मन क्या कहता है? हे प्रभु, मुझे खुशी है कि मेरे फलाने भाई या बहन को आपने ये अनुग्रह दिया, वो भाई या बहन वाकई में उस अनुग्रह के योग्य था या योग्य थी, और मुझे इस कारण खुशी है कि आपने उस भाई या बहन को इस तरह की आशीष दी, इस तरह का अनुग्रह दिया। क्या हम इस तरह से सोच पाते हैं? हम में से हर आदमी को अपने सोचने का तरीका जांच कर देखना चाहिए। यदि हमारे मन में अपने भाई या बहन के विरुद्ध कड़वाहट, उनके विरुद्ध ईर्ष्या या इस तरह की भावना आती है तो कुछ तो गड़बड़ है। हम ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर नहीं हैं बल्कि सांसारिक ज्ञान से भरपूर है, और सांसारिक ज्ञान हमेशा हमको ईश्वर से अलग ले जाता है, और जो भी ज्ञान हमको ईश्वर से अलग ले जाता है वो हमको अपने भाइयों और बहनों से भी अलग ले जाता है। तो आज हम अपने आप को जांचना शुरू करें। जब भी हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं तो प्रभु के वचन के संदर्भ में हमें अपने आप को जांचना चाहिए। पिछले 1.5 साल से नियमित रूप से हम प्रभु के वचन को सुनते आए हैं, पिछले 1.5 साल से हम एक दूसरे के साथ संगति करते आए हैं। इन 1.5 सालों में प्रभु ने हम में से अलग अलग लोगों के जीवन को स्पर्श किया है, हमसे बातचीत की है, प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुनी है, प्रभु ने हमारी ज़रूरतें पूरी की हैं। हमारा मन उस प्रभु के प्रति झुका है क्या? और हमारा मन प्रभु के हर तरह के ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर है क्या? और यदि ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर है तो एक और बात हमारे जीवन में होगा, और वो है भलाई से भरपूर। इन दोनों में क्या कनेक्शन है? देखिए, प्रभु का वचन हमको याद दिलाता है कि इस दुनिया में सब ने पाप किया है, ऐसा कोई व्यक्ति इस संसार में नहीं है जिसने पाप ना किया हो। और वही पद हमको ये भी याद दिलाता है कि चूंकि सब ने पाप किया है इसलिए हर व्यक्ति प्रभु से दूर है, प्रभु के गुणों से दूर है, प्रभु की महिमा से दूर है, और इसलिए हम हमारा जो स्वाभाविक स्वभाव है उसमें भलाई से नहीं बुराई से भरपूर रहते हैं। मनुष्य के मन में जो कुछ आता है वो बुराई ही बुराई होती है, लेकिन जब मनुष्य के मन को मन में प्रभु प्रवेश करके उसके मन को धीरे 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 बदलने लगते हैं तो उसके मन में जब ईश्वरीय ज्ञान से उसका मन भरपूर हो जाता है तो उसका रिजल्ट क्या है? वो भलाई से भी भरपूर हो जाता है। यदि आप अपने जीवन को जांच कर देखें और यदि आपको लगे कि जितनी भलाई आपके जीवन में होनी चाहिए आपके भाइयों के प्रति, आपके नाते रिश्तेदारों के प्रति, आपके बाल बच्चों, माँ बाप, भाई बहनों, अड़ोसियों पड़ोसियों के प्रति आपके मन में जिस तरह की भलाई होनी चाहिए, यदि वो भलाई नहीं है तो आपको जांच कर देखना चाहिए कि ये भलाई क्यों नहीं है। इसका एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ। ऐसे कई भाई लोग हैं या बहन लोग हैं जिनके बारे में यदि हम कहें कि भाई उससे मदद मांगो तो लोग जल्दी से कह देते हैं नहीं नहीं नहीं, उससे मदद नहीं मांगना है, उसके पास जाओ तो डांटेगा, फटकारेगा, गाली गलौज करेगा,
और ये कहेगा कि मुझे क्या, तुम अपना काम जानो। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे भाई बहन लोग हैं जिनके बारे में हर कोई जानता है कि उस व्यक्ति से जाकर मदद मांगो तो किसी भी तरीके से यदि मदद कर सकता हो या कर सकती हो तो वो भाई या बहन जरूर मेरी मदद करेंगे। क्यों, दोनों में फर्क क्या है? एक मनुष्य के ज्ञान से भरा हुआ है इसलिए उसका जीवन बुराई से भरा है, दूसरा प्रभु के ज्ञान से भरा हुआ है इसलिए वो भलाई से भरा हुआ है। जरा एक बात बताइए, मान लीजिए कि आपका हाथ टूट गया है या आपके हाथ में कहीं फोड़ा फुंसी आ गया है, सड़क चलते किसी व्यक्ति से आप जाके पूछेंगे क्या कि ये हाथ कैसे जोड़ा जाए या इस फोड़े फुंसी को किस तरह से इसका इलाज किया जाए? जी नहीं, अपन डॉक्टर से जाके पूछते हैं। क्यों डॉक्टर से जाके पूछते हैं? इसलिए कि एक युवा भाई या बहन जो बुद्धिमान था, जो दूसरों की सेवा करना चाहता था, वो मेडिकल कॉलेज में गया, 5 साल तक कठोर परिश्रम किया, 5 साल तक मनुष्य के शरीर की बनावट, उसकी रचना ए से लेकर जेड तक, आ से लेकर अंत तक उसने पढ़ा, देखा, उसके बाद साल भर अपने से सीनियर लोगों के अंडर उसने मरीजों की सेवा की। इस तरह से कम 6 साल उसने मनुष्य के शरीर के बारे में, शरीर की कमजोरियों और बीमारियों के बारे में और कमजोरी और बीमारी के इलाज के बारे में उसने अध्ययन किया, और अब उसका सारा दिमाग उस ज्ञान से भरा हुआ है। और चूंकि उसका दिमाग उस ज्ञान से भरा हुआ है इसलिए यदि आप उस व्यक्ति के पास जाके उससे पूछेंगे भैया यहाँ फोड़ा है या फुंसी है या हाथ टूट गया है क्या करना है, तो चूंकि उसका दिमाग उस ज्ञान से भरा हुआ है इसलिए उसका नज़रिया या सोचने का तरीका क्या है, मैं जानता हूँ इसलिए मैं लोगों का इलाज करूँगा। उसी तरह से मेरा और आपका मन जब प्रभु के ईश्वरीय ज्ञान से भरा हुआ होता है तो चूँकि ईश्वरीय ज्ञान से भरा है इसलिए हमारे सोचने का तरीका ये होगा, मैं क्या भलाई कर सकूँ, मैं क्या मदद करूँ, दूसरे को मेरी क्या ज़रूरत है, मैं किस तरह से 4 लोगों के लिए आज भलाई कर सकता हूँ। हम सब इस तरह के लोगों के बारे में जानते हैं। तो आज जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं अपने भाइयों और बहनों को बताना चाहता था वो ये है कि मेरे प्रिय भाई मेरी प्रिय बहन, पिछले 1.5 साल से प्रभु के वचन का हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है कि प्रभु का वचन मेरे और आपके पापी मनों में जाकर धीरे धीरे उसको भर दे। जिस तरह से अपन बोतल पे फनल लगाकर उसमें पानी डालते जाते हैं, मिट्टी के तेल की बोतल हो तो मिट्टी का तेल डालते जाते हैं और कुछ हो तो वो डालते जाते हैं जिससे कि वो भर जाए और वो बाहर कहीं ना गिरे, इस तरह से 1.5 साल से मैं और आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान लगाकर सुन रहे थे प्रभु के वचन को। और उसका असर यह होना चाहिए कि हम ईश्वरीय ज्ञान से भर गए हों। और मुझे इस बात का यकीन है कि इस सभा में जितने लोग बैठे हैं उनमें से ज़्यादातर लोग ये कह सकेंगे कि हाँ भाई, हम जो अध्ययन कर रहे थे उसका हमको फ़ायदा मिला है, उससे मेरे सोचने में फ़र्क आया है, मेरा नज़रिया बदल गया है, मैं जो कल तक बुराई सोचता था आज ये सोचता हूँ कि मैं 4 लोगों की मदद कैसे कर सकूँ। जब आप इस तरह से जवाब देंगे तब प्रभु का वचन आपके जीवन में पूरा हो जाएगा। मैं इस बात को निश्चय जानता हूँ कि तुम भलाई से भर गए हो। तो ये 2 आपस में जुड़ी बातें थीं जो मैं आज शाम को आपके सामने रखना था।
ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर हो जाएं, भलाई से भरपूर हो जाएं। लेकिन ये हमारे जीवन में क्यों होता है, क्यों प्रभु हमारे जीवन में इस तरह से करना चाहते हैं, वो 15वें पद के आखिर में हम देखते हैं। ये उस अनुग्रह के कारण हुआ जो प्रभु ने मुझे दिया है। मैं और आप प्रभु के वचन के अनुसार हम जन्म से पापी हैं। जो जन्म से पापी है वो प्रभु से दूर है, और जो प्रभु से दूर है वो प्रभु की पवित्रता और प्रभु के स्वभाव से भी दूर है, और जो प्रभु के स्वभाव से दूर है उसके जीवन में सिर्फ पाप और अधर्म और गलत बातें आती हैं। लेकिन जब हम जो प्रभु के से दूर हैं, हम लोग प्रभु के अनुग्रह के कारण जब प्रभु के पास पहुंच जाते हैं, तब हम पहचान लेते हैं कि हे प्रभु, मैं पापी था, मैं कभी भी आपके पास आने के योग्य नहीं था, लेकिन आपने अपनी दया के कारण मुझे अपने पास बुलाया और अब मैं अपने आपके पास आकर आपका दर्शन पा रहा हूँ। तो इस बात को पहचान गया हूँ कि प्रभु आपने मेरी मुक्ति, मेरे उद्धार, मुझे एक नया जीवन देने के लिए अपना जीवन सूली पर अर्पित कर दिया। जब हम इस बात को पहचान लेते हैं तो तुरंत प्रभु के सामने घुटने के बल गिर के प्रभु से ये याचना करते हैं, प्रभु मुझ जैसे पापी, नालायक, अधर्मी, कुकर्मी व्यक्ति के लिए आपने अपना जीवन दिया, प्रभु ऐसा क्यों, मैं तो इसके योग्य नहीं हूँ। जब हम इस तरह से प्रभु से पूछते हैं तब प्रभु की वाणी सुनाई देती है, हे मेरे पुत्र, हे मेरी पुत्री, मैंने तुम्हारी सृष्टि इसलिए की थी कि तुम मेरे साथ संगति में जीवन बिताओ, और तुम जब मेरे साथ संगति में जीवन बिताओ तो मेरा ज्ञान तुम्हारे मन को भर देगा, और जब मेरा ज्ञान तुम्हारे मन को भर देगा तो तुम्हारा जीवन भलाई से भर जाएगा। और जब प्रभु इस तरह से हमसे बोलते हैं तब प्रभु से हमारा प्रश्न होता है, हे प्रभु मैं क्या करूं, मैं क्या करूं प्रभु, जिससे कि मेरा जीवन आपके ज्ञान से भरपूर हो जाए। तब प्रभु का जवाब होता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुमको सिर्फ एक काम करना है, ये पहचान लो कि तुम पापी हो, ये पहचान लो कि तुम अपने आप को बचा नहीं सकते, और जब इस बात को पहचान लोगे तो उसके साथ साथ मुझे मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करो, ये ग्रहण कर लो कि मैंने सूली पर यह बलिदान तुम्हारे लिए दिया है। जब हम इस तरह से प्रभु की वाणी को सुनकर प्रभु से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं वाकई में इस बात को पहचान गया हूँ कि मैं पापी हूँ, मुझ में कोई योग्यता नहीं थी, मैं वाकई में पापी हूँ, और आज मैं इस बात को, आपकी वाणी सुनकर इस बात को मैं पहचान गया हूँ कि आपने सूली पर मेरे लिए अपना जीवन इसलिए दिया कि आप मुझसे स्नेह करते हैं, मेरी योग्यता के कारण नहीं, इसलिए कि आप मुझसे स्नेह करते हैं, और आज मैं आपको मुक्तिदाता ग्रहण करता हूँ। जब हम ऐसा करते हैं तब प्रभु हमको वो नया जीवन देते हैं जो यहाँ बैठे हुए बहुत सारे भाई और बहन जिसको पा चुके हैं, और जिसके कारण उनके बीच में एक नया, उनके जीवन में एक नई खुशी है। एक बात बताइए, यहाँ जितने बैठे हैं ये लोग अपने घरों से हजारों किलोमीटर दूर कठिन मेहनत कर रहे हैं जिससे कि अपने परिवार के लिए कुछ कर सके। साल दो साल के बाद जब छुट्टियों में आप घर जाते हैं, घर में जितने बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो तो आपसे मिलने के लिए सब तैयार बैठे हैं, लेकिन मान लीजिए कि एक छोटा सा बच्चा या बच्ची ज़मीन पर बैठी है, मान लीजिए कि वो आपका बच्चा है या आपकी बच्ची है, माँ भूल गई, माँ ने सुबह उसको तैयार करवा दिया था, लेकिन आपकी, आपके स्वागत में उसका ध्यान इधर उधर भट गया, बच्चा
मिट्टी में लोट गया है, उसका सारा शरीर मिट्टी से भरा हुआ है। या आपका छोटा भाई या बहन जिसको आप गोदी में खिलाया करते थे, वो मिट्टी में लोट कर पड़ा हुआ है। 2 साल के बाद आप अपने बच्चे से मिल रहे हैं, अपने छोटे भाई छोटी बहन से मिल रहे हैं, वो तो मिट्टी में बिल्कुल अटा हुआ पड़ा है। तो आप क्या कहेंगे, अच्छा ये मेरा बेटा है क्या, इसको उठाओ और पहले स्नान करवाओ, तब हम इसको हाथ में लेके इसका चुंबन करेंगे। ऐसा कोई करता है क्या, कोई बाप? जी नहीं। उसका बच्चा, चाहे उसके सारे बदन में धूल हो, मिट्टी हो, कीचड़ हो, जब 2 साल के बाद अपने बच्चे को देखता है तो उस बच्चे को उठाकर गले लगा लेता है और उसको चुंबन देता है, उसको चूमता है और उसके गालों पर जो गंदगी है उसको स्वयं साफ करता है। एक मनुष्य यदि इस तरह से करता है तो मनुष्य के सृष्टा सर्वशक्तिमान प्रभु, जिन्होंने मेरी और आपकी सृष्टि की है, जब वे पाप से भरे हुए मुझे और आपको देखते हैं, तब स्नेह के साथ हमको अपने पास बुलाते हैं, मेरे पास आओ, मैं तुमको मुक्ति दूंगा। आज इस सभा में ऐसा कोई भाई या बहन है क्या जिसने प्रभु के इस स्नेह को, इस प्रेम को आज तक नहीं पहचाना है? यदि इस तरह का कोई भाई या बहन हो, याद रखिए, हमारे जीवन में हमारे कर्म कितने भी बुरे क्यों ना हो, जिस तरह से एक बाप जो 2 साल के बाद अपने को बच्चे को देखता है तो एकदम से उसको गले लगा लेता है, उस तरह से प्रभु किसी भी क्षण हमको अपने से जोड़कर हमारा आलिंगन करने के लिए तैयार है। सिर्फ शर्त यह है कि हम प्रभु के बच्चे बन जाना चाहें। उसके लिए प्रभु से बोले, हे प्रभु, मैं पापी हूँ, मैं आपको मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करता हूँ। आज शाम को इन दोनों बातों के साथ मैं आप सबको छोड़ना चाहता हूँ। पहली बात ये, जो दूसरी बात मैंने बताई थी वो है एक्चुअली पहली बात। पहली बात ये कि सभा में ऐसा यदि कोई व्यक्ति है जिसने आज तक प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण नहीं किया, तो आज वो क्षण है, आज वो सर्वोत्तम दिन है जब हम प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कर लें। दूसरी बात, जिन्होंने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है, प्रभु उनकी मदद करे कि वे प्रभु के ज्ञान से भर जाएं, जिसके कारण, उस ज्ञान से भर जाने के कारण प्रभु की भलाई से भर जाएं, जिससे कि जो भी हमको देखे वो हमसे भलाई की उम्मीद करे, जो हमको देखे वो कहे कि अरे ये तो प्रभु यीशु का शिष्य है, इसीलिए तो इसके जीवन में इतनी भलाई, इतनी कृपा, इतनी खुशी और दूसरों को मदद करने की इच्छा है। आज प्रभु इस सभा में आए हुए सभी भाइयों और बहनों को ये बातें समझने के लिए और अपने जीवन में व्यवहार में लाने के लिए मदद करें। इनमें से यदि कोई बात आपको समझ में नहीं आई तो सभा के बाद आकर हम में से किसी से मिले, हम आपको ये सारी बातें बहुत ही स्पष्टता से समझा देंगे। प्रभु ने आज इस तरह हमारी मदद की, उसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूँ। जय मसीह की।